तो वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको गन का टेक्सचर करके दिखाऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्या करना जी, आपने मॉडल लेना है। मॉडल लेके आपने सब्सटेंस पेंटर के अंदर ले जाना है, ठीक है। ड्रैग करके यहाँ पर इस पर फेंकेंगे आप। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपने ओके कर देना है और एफ दबा देना, ठीक है। ये देखें, ये हमारा गन का मॉडल आ चुका है। अब मैंने रेफरेंस क्या देखा था जी, रेफरेंस जो मैं चारों में जिस तरह मैं बनाऊँ, तो जो गन है इस तरह की मैं चाह रहा था, कुछ मिलती जुलती बना लेंगे इसके अंदर। इसको फेंका रेफरेंस के अंदर। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसको हमने इसके टेक्सचर्स को बेक कर लेना है। टेक्सचर सेटिंग में आए, इसको हमने यहाँ से बेक मैश मैप कर दिया और आईडी कौन चेक कर दिया, वर्ल्ड कौन चेक कर दिया और बेक और बेक करंट मेन इस पर कर दिया क्लिक, ठीक है। गाइस हमारे टेक्सचर्स हो चुके हैं बेक। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मटेरियल्स हैं हमारे और ये हमारा स्कोप है और ये पता नहीं क्या चीज़ है, हमने इन दोनों पे काम करना है, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से एक मटेरियल ले लेंगे, स्मार्ट मटेरियल में आए, क्योंकि अब ब्लैक है हमारा, तो हमने यहाँ से कोई ब्लैक मटेरियल लेना है स्मार्ट मटेरियल में से। इसको इसके अंदर फेंकूँगा, ड्रैग करूँगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये देखें, ये कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके आगे यहाँ पर जैसे उसका है, ये जिसने किया हुआ ये कर देते हैं। ये कैसे करना है जी, मैंने ग्रेडियंट बनाया हुआ था फोटोशॉप में, ये देखें ग्रेडियंट बना के इसको मैं ले आया हूँ सब्सटेंस पेंटर में। ड्रैग किया मैंने इसको और यहाँ से हमने इसको टेक्सचर कर दिया। यहाँ से प्रोजेक्ट अनटाइटेड इम्पोर्ट, और यहाँ से हमने एक सिंपल पेंट लेयर ले ली और यहाँ से बेस कलर में इसको हमने फेंक देना है। और उसके बाद क्या करना है जी, इसका स्केल थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, फिल लेयर से काम नहीं बन रहा था, हम सिंपल एक लेयर ले लेंगे और थ्री दबाएंगे। थ्री हमारी प्रोजेक्शन की शॉर्ट की है। यहाँ से हम इसको बेस कलर में फेंक देंगे और जो बाकी हमारे हैं इसको हम हाइड कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है जी, ब्रश लिया हुआ हमारा सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ से ब्रश को बड़ा करके इसको कर देंगे, दोबारा कर देते हैं। अगर इसके अंदर सिमेट्री ऑन कर देते हैं, सिमेट्री से ये होगा कि हमने एक साइड पर अगर हम करेंगे तो दूसरी साइड पे हमारा ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। यहाँ से मैंने सिमेट्री ऑन की और ये देखें जी, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी, शायद उसकी यूवी अलहदा हो, इस वजह से शायद नहीं हुआ। तो ये देखें जी, अब ये हमारा हो चुका है। यहाँ से ये ख़राब क्यों हो रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। इसको यहाँ पे करते हैं एड वाइट मास्क और यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारा वो भी रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारी सिमेट्री ऑन, आई थिंक शायद सिमेट्री को हम ऑफ करते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं जी। ये देखें, अब यहाँ से हम ये जो है ख़राब हो रहा है उसको हमने मिटा देना, ठीक है। इसका तकरीबन जो हमारा लेआउट है यूनिटी वाला है, यूनिटी और फोटोशॉप वाला, तो
तो गैस ये अब हमने इसके बाद क्या करना है जी, अब इसके बाद यहाँ पे स्पार्क थंडर का इंजिक मैंने डाउनलोड की थी, इसको मैं लेता हूँ सब्सेंस में। यहाँ से मैं अल्फ़ा में इंपोर्ट करता हूँ, सॉरी अल्फ़ा में नहीं, इसको हम टेक्सचर में करते हैं, टेक्सचर में किया और इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली एक पेंट लेयर ले लेनी है और यहाँ से हमें इसको इसको ड्रैग करना है बेस कलर के अंदर, और इसका हम स्केल को छेड़ेंगे, स्केल को हमारा ख़राब हो रहा है, हम ब्लू वाला लगा देखते हैं, इसको किया टेक्सचर में और यहाँ से इंपोर्ट किया उसको और यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकूँ। ब्लू वाला फिर भी कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा जी, मुझे लग रहा है कि हमारा जो ब्लैक वाला कलर है इसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा ब्लैक करना चाहिए। यहाँ से बेस कलर में आए और इसको थोड़ा सा हमने डार्क किया, रफनेस थोड़ा सा कम की, मेटालिक को छोड़ देखते हैं, ठीक है जी। हमने फिर से स्मार्ट मटेरियल्स में आना है, इसको फेंकते हैं इसके ऊपर, इसका हम ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करके देखते हैं, नहीं जी काम नहीं बन रहा। अब हम क्या करते हैं जी, नीचे आ जाते हैं फिर से और सिंपली हम इसके ऊपर फेंकते हैं ये गोल्ड का, वैसे अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी कर लेते हैं मास्किंग, ऐड वाइट मास्क, यहाँ से हम पॉलीगॉन टूल के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम ले आते हैं नीचे, इसको ऑन कर देते हैं, क्लिक करते हैं और F1 दबा के हम इसकी व्यू में आ जाते हैं और देखते हैं ये कहाँ पे है, ये रहा, क्योंकि ओवरलैप हो रही है जिसकी वजह से वहाँ से हो नहीं रहा, इसलिए हमें यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम यहाँ से इसको ब्लैक कर देते हैं, हम F2 दबा लेंगे और इसे ब्लैक कर दिया, नहीं बन सकते, अच्छा जी यहाँ से इसको भी हम कर देते हैं, इसको पकड़ते हैं यहाँ से, इसको कर देते हैं, ठीक है, अच्छा जी। तो हमने यहाँ पे एक और लेना है यहाँ से मटेरियल,
ये फेंका इसके ऊपर, नहीं ये भी अच्छा लग रहा। तेरा कमाल है, मैं कहना एवं तो नहीं यार दोस्त। चलो अब इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इस कलर में आते हैं। चलो यहाँ से इसको ब्लैक मास्क कर देते हैं, सॉरी इसके ऊपर एक ब्लैक लेयर फेंकते हैं। ब्लैक मास्क ठीक है, तो ये देखें गाइस हमारी जो गन है वो रेडी हो चुकी है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने सपने फेंक के मारो या फिर अपना ईमान, मुझे नहीं पता बस।